नरखेड़ पुलिस ने शराब से लदी एक कार को जब्त कर लिया है। कार से 23,910 रुपए की शराब एवं कार सहित कुल 3,48,910 रुपए का माल जब्त किया गया है। इस संबंध में मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी गई है। नरखेड़ पुलिस को मुखबिर के माध्यम से सूचना मिली थी कि केवल राम पिपला से कार में शराब की अवैध सप्लाई की जा रही है। पुलिस निरीक्षक जयपाल सिंह गिरासे ने खबर मिलते ही डीबी पथक के प्रभारी दत्तात्रेय कोलते, कैलाश उइके, राम कुमार सतुर, दिगंबर राठौड़, मनीष सोनो ने को केवल राम पिपला भेज दिया। वहां गाड़ी चालक को हाथ का संकेत देकर गाड़ी को रोकने का प्रयास किया तो चालक ने गाड़ी की गति धीमी कर अचानक गति बढ़ा दी और आगे निकल गया। पुलिस ने गाड़ी का पीछा करने पर चालक ने गाड़ी को पिपला गांव में मोड़ दिया। आगे रास्ते पर कीचड़ में फंसने से गाड़ी चालक और क्लीनर गाड़ी छोड़कर भागने में कामयाब रहे। गाड़ी का निरीक्षण करने पर विभिन्न कंपनियों की कुल 161 बॉटल विदेशी शराब मिली, जिसकी कीमत 23,910 रुपए बताई गई। कार सहित कुल 3,48,910 रुपए का माल जब्त किया गया। ये कार्रवाई पुलिस अधीक्षक राकेश ओला, सहायक पुलिस उपाधीक्षक राहुल मखनीकर, सहायक उप विभागीय पुलिस अधीक्षक नागेश जाधव एवं पुलिस निरीक्षक जयपाल सिंह गिरसे के मार्गदर्शन में PSI दत्तात्रेय कोलते एवं उनकी टीम ने की। नरखेड़ थाने में मामला दर्ज कर जाँच शुरू की गई है।